हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज से स्टार्ट करने वाले हम लोग एक सर्वाइवल सीरीज, और ये सर्वाइवल सीरीज का एपिसोड नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने वर्ल्ड का नामकरण कर लेते हैं। तो अपने वर्ल्ड का नाम क्या रखें यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अपने वर्ल्ड का नाम रखते हैं हम लोग क्रेजी किंगडम। तो हमने अपने वर्ल्ड का नेम तो रख लिया, फटाफट से हम लोग सो कोऑर्डिनेट्स को ऑन कर लेते हैं। तो चिट्स में नहीं है, एडवांस में मिलेगा सो कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर हम सो कोऑर्डिनेट्स जो है ऑन कर लेते हैं। उसके बाद अभी हम लोग अपनी वर्ल्ड को क्रिएट कर लेते हैं। तो माइंड पॉकेट उसमें वर्ल्ड क्रिएट होने में तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर हमारा वर्ल्ड तो क्रिएट हो चुका है, और हम लोग उसको ऑन एकेसिया बायोम में जल्दी जल्दी से हम लोग कुछ वोट कलेक्ट कर लेते हैं। और इस गेम में हमारा दो टास्क होने वाला है। पहला कि हमें फुल आयरन आर्मर बनाना है, और एक विलेज ढूंढना है। वोट तो कलेक्ट कर सबसे पहले अपना वुडन टूल बनाते हैं। वुडन टूल में हम बनाएंगे से वुडन पिकैक्स, क्योंकि स्टोन तो बाजू में ही है, उसे हम कलेक्ट कर लेंगे और फिर से हम स्टोन टूल्स भी बना लेंगे। जल्दी जल्दी हम लोग स्टोन माइन कर लेते हैं। हम लोग स्टोन से टूट डालते हैं, फिर उसके लिए हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो इस डर्ट को तोड़ते हैं, यहाँ से निकलते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे हम लोग पिकैक्स। इनमें बस प्लैंक्स ही नहीं है, तो पहले स्टिक्स एंड प्लैंक डालते हैं। पिकैक्स, देन एक्स एंड सॉर्ड। चलते हैं और उसका एक्सप्लोर करते हैं। नीचे में हमें एक सीप दिख रहा है, तो इसे माल का फूड और भूल दोनों क्लिक करते हैं। भूल से हमें बेड बनाएंगे, जिससे कि हमें रात गुजारने में आसानी होगी। सामने में काव भी है, उसे भी जल्दी से किल करते हैं। आगे चलते हैं और एक्सप्लोर करने के लिए। तुम थोड़े माउंटेनियस रीजन में हैं, और ये तो बहुत ज़्यादा गिर रहा है। अगर यहाँ से गिरे तो फिर हड्डी आगे नहीं मिलेगी हमारी। साइड से चलते हैं हम लोग। आगे भी थोड़े से आयरन भी दिख रहे हैं, फटाफट से निकाल लेते हैं हम लोग। तीन ही आयरन और यहाँ पे। चलते हैं और भी नीचे। अगर मुझे और भी सीप्स मिल गए हैं, तो दो सीप दिख चुके हैं मुझे, दोनों मिल करके हमारा बेड बन जाएगा। तो वो चीज़ें मारते हैं। यहाँ पे एक टर्टल भी है, लेकिन इसे हम कैरी नहीं कर सकते और नहीं इसका एग ले सकते। अगर थोड़े कोल्स हैं, इन्हें भी हम फटाफट से माइन कर लेते हैं। इससे हमारे टॉर्चेस एंड फर्नेस में यूज़ करने के लिए रखेंगे। यहाँ पर थोड़े से कोरस डर्ट्स भी हैं, नॉर्मल डर्ट्स से अलग हैं ये कोरस डर्ट्स। हम लोग और एक्सप्लोर करते हैं। फिलहाल तो हमें एक केव चाहिए, जिससे कि हम लोग आयरन पहुँच सकते हैं, और हमें आयरन आर्मर एंड आयरन के टूल्स बनाने हैं जल्दी जल्दी से। आगे मुझे एक आयरन मिल रहा है, तो फटाफट से कलेक्ट करते हैं। अगर सुगर गेल्स भी है, तो इसे भी लगता है हमें फ्यूचर में काम आएगा। फ्यूचर में हम एक सुगर कैन फार्म भी बनाएंगे, ऑटोमेटिक सुगर कैन फार्म। अभी रात हो चुकी है, तो बेड बना कर जल्दी जल्दी सो जाते हैं। अगली सुबह हम लोग फिर से आयरन माइन करेंगे। अभी हमारे पास सिर्फ 5 आयरन है।
आगे मुझे थोड़ा सा केव टाइप का दिख रहा है, हो सकता है वहाँ पे आयरन मिल जाए, लेकिन मेरा हंगर भी खत्म हो चुका है, तो फटाफट से फॉरेस्ट बना के मैं खाना खाना पिघला तो नहीं है, खाना बना ले। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर देना। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे मॉब्स भी लगेंगे तो मुझे मार देंगे इसमें गली टपटाफट से। मेरा खाना बन चुका होगा और फटाफट से लोग निकालते हैं और यहाँ से चलते हैं आगे केव ढूंढते थोड़े बहुत। फटाफट से एक बोट बना के यहाँ निकलते क्योंकि यहाँ पे तो आसपास से पानी ही पानी है। बोट बना लिया है और चलते हैं यहाँ से। देखो भाई हमें एक विलेज भी नहीं मिला है। मुझे थोड़ा सा पम्पकिन मिली तो मैंने थोड़ा सा पम्पकिन को भी कलेक्ट कर लिया है और आगे मुझे केव भी दिख रहा है तो चलते हैं केव के अंदर। लेकिन उससे पहले हम एक शील्ड बना लेते हैं क्योंकि वो हमारे बहुत ज़्यादा काम आएगा, नहीं तो कोई भी ज़ॉम्बी आएगा बता के चले जाएगा। तो मैं सीन बन चुका है, फटाफट से क्राफ्टिंग टेबल पे निकल देते हैं और ऐसे निकलते हैं। केफ इंदर बहुत ज़्यादा सील्ड हमारे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, बस आर्मर नहीं है तो ये नीचे थोड़े से ज़ॉम्बीज की आवाज़ आ रही है पीछे से लगते हुए ज़ॉम्बी। हाँ दो दो ज़ॉम्बी आ रहे हैं, मतलब बरात है क्या। क्रीपर ने हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान कर दिया, कमी के बाद क्रीपर थोड़े काम आ जाते हैं, वैसे तो ये लोग एकदम बेकार है। नीचे थोड़ा सा आयरन बिखरा है, फटाफट से माइन करते हैं और निकलते हैं। और भी आयरन की ज़रूरत है तो फटाफट से और भी आयरन ढूंढते हैं। इसके थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं हम लोग अभी तो। अब मुझे और भी आयरन दिखे तो फिर फटाफट से ले लेते हैं। बस 21 आयरन हो चुके हैं अभी बार। नीचे और 3 आयरन मिल जाए तो अपना आयरन असोट बन जाएगा लगता है यार। मुझे 3 आयरन मिल जाएंगे, मैं बहुत ज़्यादा नीचे हो चुका हूँ। वाई कोऑर्डिनेट से 11 तक आ गए हम लोग, तो यहाँ पे 2 ही आयरन से यार। चलो कोई बात नहीं, हमें एक आयरन ढूंढना पड़ेगा। और देखो हमें बर्च बायोम भी मिल गया लेकिन अभी तक हमें एक आयरन नहीं मिल रहा, एक आयरन और ना ही विलेज मिल रहा, जंगल बायोम भी मिल गया अब तो हमें। थोड़े बहुत मेलन से भी कलेक्ट कर लेते हैं, खाने के काम आएगा। ढूंढते ढूंढते प्लेस में भी आ चुका हूँ, अभी यहाँ पे केव है लगते यहाँ पर मुझे आयरन मिल जाएगा। बस फाइनली हमें आयरन मिल चुका है, आर्मर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे 2-2 आयरन है लेकिन अभी हमारे आयरन के टूल्स नहीं मिल पाएंगे। मेरे पास तो एक एक्स्ट्रा आयरन था, ये फालतू ही मैंने इतना घूम लिया। चलो कोई बात नहीं, जब तक ये आयरन मेल्ट होगा तब तक मैं कुछ और आयरन ढूंढता हूँ जिससे कि हम लोग अपने आयरन के टूल्स बना सकें। अगर थोड़ा नीचे गहरा है हो सकता है यहाँ पे ज़ॉम्बीज भी हो। अरे यार यहाँ पे एक स्केलेटन है, स्पाइडर भी स्केलेटन भी पहले स्पाइडर को मारते हैं। काम करते हैं स्केलेटन एंड स्पाइडर की लड़ाई करवा देते हैं, उसके काम हो गया। अरे क्रीपर ने तो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की इस गेम में, दो को मार दिया।
थोड़े और आयरन माइन करते हैं और फिर और एक्सप्लोर करेंगे केव को। चलो हमारे पास आयरन आर्मर है नहीं तो कोई भी ज़ॉम्बी नहीं मार सकता है, और टूल्स भी नहीं बस टाइम पे। अरे सामने को सही पता गया पर अरे बहुत है अंधेर। अरे यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज है, तो इन सारे ज़ॉम्बी को मार जाए तो निकलते हैं से और आगे थोड़ा देखते हैं और आयरन मिल जाए तो लाते हैं। पर रात हो गई है तो फटाफट से हम लोग सो के दिन कर लेते हैं। ये तो बहुत ऐसा गहरा लग रहा है मुझे, नीचे एक माइंस आर भी। अगले वीडियो में हम लोग माइनक्राफ्ट को भी एक्सप्लोर करेंगे। और देखो सामने में एक आयरन पड़ा हुआ, धीरे धीरे हमें आयरन देखा भी नहीं, सिमट से आयरन लेके हम लोग निकलते हैं यहाँ से। हमारा आयरन भी मेल्ट हो चुका है वक्त, तो अब बनाते हैं हम लोग फटाफट से अपना आयरन आर्मर। तो फाइनली हमारा आयरन आर्मर बन चुका है। और आप लोग कमेंट करके बताना गाइस कि आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी और मुझे आगे क्या क्या बनाना चाहिए इस वर्ल्ड में। हम लोग में टूल्स भी बना देते हैं, बस पूरी पूरी 9 आयरन ही हैं तो एक भी आयरन बचेगा नहीं। हम लोग एक पिकेक्स बनाएंगे एंड एक सॉर्ड एंड एक एक्स। थोड़े से बाम्बू भी कलेक्ट किए थे जंगल बाम्बू में मिला था, आगे हम बाम्बू की भी खेती करेंगे। यहाँ पे हमारा मटन भी कुक हो चुका है। अब तो मुझे चाहिए बस एक विलेज और हमारा टास्क पूरा हो जाएगा। वैसे वहाँ पर जो कुछ दिख रहा है थोड़ा बहुत हम लोग दिन गए थे, उसके बाद फिर वहाँ पर जाएंगे हम लोग। चलो फटाफट से देखते हैं, आइए देख चल मजा आएगा। ये तो विलेज नहीं चलते विलेज में, फाइनली हमें एक विलेज भी मिल गया। चलते हैं इस विलेज पे और विलेज को लूटते हैं। विलेज के आसपास ही हम लोग अपना बेस भी बनाएंगे, जिससे कि अगर हमें कोई विलेजर की जरूरत पड़े तो हमें कहीं ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।